मैं विश्व समुदाय का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस सम्मान के लिए मुझे पसंद किया। ये सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं है, ये सम्मान भारत की महान परंपरा का है, जहाँ सदियों से हमें प्रकृति के साथ सहजीवन के संस्कार मिले हैं। और मुझे खुशी है कि आज मानव जात प्रकृति के महत्व को स्वीकारने लगी है। प्रकृति के साथ संघर्ष ने मानव जात का भी विनाश किया है, प्रकृति का भी विनाश किया है। इस बदलते हुए माहौल में अब हम सब प्रकृति की रक्षा की ओर बल दे रहे हैं, और उसमें चाहे ग्लोबल वार्मिंग जैसे शब्द हो, चाहे एनवायरनमेंट जैसे शब्द हो, चाहे कार्बन एमिशन जैसे शब्द हो, चाहे डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री की परिभाषा हो, भाषाएं कुछ भी हो, परिभाषाएं कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली हम सब ने क्लाइमेट जस्टिस की ओर ध्यान देना होगा। जो आखिरी छोर का व्यक्ति है, जो वंचित है, जो गरीब है, वो इन सारी परिस्थितियों का शिकार होता है। अगर हम कल्याण के लिए सोचते हैं, हम समाज जीवन के आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान के लिए सोचते हैं, तो जैसे और चीजों पर बल देने की आवश्यकता है, उतनी ही प्रकृति की रक्षा पर भी बल देने की बहुत आवश्यकता है। और उस काम में भारत पूरी तरह आपके साथ है। दुनिया जो चाहता है उसमें भारत कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। फिर एक बार ये सम्मान 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, ये सम्मान सदियों पुरानी भारत की महान परंपरा का है, और इसलिए मैं फिर से एक बार इस सम्मान के माध्यम से इस महान परंपरा को भी नमन करता हूँ। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।